अच्छा देखें, ये वॉश कर रही है अपनी इसी बेस को, वॉश कर रही है पानी से, देखे धो रही है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से धोना। अच्छा ये आपको मैं रिजल्ट दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी बेस का रिजल्ट क्या है। सही से आप इसको वॉश करना। ठीक है, आप फेस वॉश यूज करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये है वो बेस जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, सना बाई क्लेम, जो कि फैसलाबाद में इनका पाउडर है और इन्होंने अपनी ये बेस लॉन्च की है अभी। तो इस बेस को हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस फेस पर। तो और इनका साथ में ये है लूज पाउडर, ना ये है लूज पाउडर इनका, और ये है इनकी मूज बेस। तो ये भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, ये मूज बेस है और बहुत पिगमेंट है। तो अभी इसको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं विद, और ये हम फिंगर से ही अप्लाई करेंगे। वीडियो में कंटिन्यू रखूँगी अपनी, इसकी स्किप नहीं करेंगे वीडियो हम। आप इसे पफ से भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे फिंगर से यूज़ करूँगी और देखकर बताइएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है। वैसे मैं अभी ये गिफ्ट ये तो मैंने फिंगर इसी में बार बार डाल रही हूँ, लेकिन जब मुझे बेस यूज़ करनी होगी मैं अलग से ही इसको इस्तेमाल में लूँगी थोड़ी सी, ताकि बार बार हमारे फिंगर उस पर टिप नहीं हो। आंखें बंद, आलू का हिस्सा छोड़कर बहुत जल्दी अप्लाई भी हो रही है ये। हम भी इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा लगा फेस पे आने के बाद। इसके नीचे अप्लाई किया, सिर्फ मैं फेस पे ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, फेस पे ज़्यादा अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं एयर्स वगैरह भी छोड़ रही हूँ ऐसी। ये देखिए मैंने बेस ये पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है, और देखें इनके तिल वगैरह के निशान थे, पहले भी मैंने इन पे बेस अप्लाई करके दिखाई थी आइस कोल। और देखिए अब इस पे हम लूज पाउडर यूज़ करेंगे जो सना बाई ग्लैम का ही है, इसी बेस के ऊपर। तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखाते हैं। अच्छा, मुझे नाम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सना बाई ग्लैम नहीं, ग्लैम बाई सना है, मेरे जहन से निकल गया कि ग्लैम बाय सना है और मैं इसको सना बाय ग्लैम पढ़ रही थी, ये ग्लैम बाय सना है। तो इनके ही नाम से इनका पाउडर है, इनके उस पर लिखा हुआ भी है,
अब इनका हम ये लूज पाउडर यूज़ करने जा रहे हैं। ये इनका लूज पाउडर ये पिंक उसमें है और बहुत लाइट वेट है इसका। ऊपर देखिए खाली फेस है इसके ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर देखो हवा से इनकी आइस में चला गई है। पंखा बहुत तेज चल रहा है, लाइट गई हुई है, ऐसी ऑफ हुआ हुआ है। मैंने वीडियो लूज पाउडर की भी कंटिन्यू रखी है, मैंने स्किप नहीं की है और आपके सामने ही लगाया है। ज़्यादा लगाया है या कम लगाया है आपके सामने ही लगाया है। आई पीछे करो, अच्छी तरह से मैंने इसको टैप कर लिया है और ये आप अभी देख सकते हैं इनका रिजल्ट। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है इनके बेस का भी है और इनके लूज पाउडर का भी। अभी तो खैर मौसम ड्राई हो रहा है तो इतना मतलब ड्राइनेस तो खैर फेस पे नहीं हुई इनकी बेस के बाद, क्योंकि मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, लू चल रही है, लेकिन वैसे जो है बहुत प्यारी बेस लग रही है इनकी और पिंक पिंक इनकी बेस का कलर आ रहा है। बिल्कुल नेचुरल पे जा रहा है पिंक भी, ये ना ही वाइट पे जा रहा है ना ही ग्रे पे जा रहा है, बहुत नेचुरल सा कलर आया है। शायद वीडियो में आपको वाइट लगे लेकिन यहाँ देखने में बहुत नेचुरल कलर आ रहा है और बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है इनका। तो मुझे तो बेस ये बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो ग्लैम बाय सना इनका फैसलाबाद में इनका पॉलर है, आप उनसे परचेज कर सकती हैं और मैं इनका एड्रेस भी अपने इस पर दे दूँगी लिंक में अपने, तो आप देख लीजिएगा कि इनका एड्रेस क्या है। मैं इनकी टिकटॉक का भी आपको इनका लिंक दे दूँगी। ये देखें आप, खुद ही देखें आप। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए प्रोजेक्ट पर, नए काम पर हमारे और नए मेकअप के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये देखें, ये इन्होंने वॉश की है और वॉश करने के बाद भी बेस नहीं निकली। क्या हुआ, बेस निकली नहीं, साफ हो रही है। कितनी बार वॉश कर लिया मैंने लेकिन बेस नहीं हट रहा। यानी इतनी वाटरप्रूफ ये बेस है कि अगर आपको पसीना भी आएगा तो बेस ख़राब नहीं होगी। लॉन्ग लास्टिंग ये बेस है और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इस बेस का नज़र आ रहा है। मुझे भी बहुत पसंद आई है और आप देख सकती हैं। ये देखिए मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ बेस। देखिए इन्होंने वॉश किया है इन्होंने फेस वॉश से, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा है बिल्कुल। अब आप मेकअप रिमूवर लो, अच्छी तरह से उससे फेस साफ करो अपना, ठीक है। चले ओके, अल्लाह हाफिज़।